गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं कविता द मिस्ट्री कैट। टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय T.S. एलियट। डू यू हैव ए पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपके घर पालतू बिल्ली है और क्या कभी आपने कुछ मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमय बातों को नोटिस किया है इसके बारे में? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री, बट मैकेबिटी इज़ वन फॉर श्योर। तो सारी ही बिल्लियां जो हैं वो मिस्टीरियस होती है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, मैकेविटी की अगर बात है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही मिस्टीरियस है। एज T.S. एलियट सेज, व्हाट इज दैट मीन्स हिम, दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या है जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। इस पोएम को हम पढ़ेंगे और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। सो मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, इज कॉल्ड द हिडन पाव। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है और इसको हिडन पाव भी कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ऐसा क्यों? इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एक मास्टर क्रिमिनल है जो कभी भी डिफाई द लॉ, मीन्स डिसोबे द लॉ, जो लॉ को तोड़ता हो, ये क्रिमिनल है जो लॉ बने हुए हैं, जो नियम है उसको तोड़ सकता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। इतना ही नहीं, ये तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए भी, स्कॉटलैंड यार्ड मीन्स द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए भी मुसीबत बन चुका है। और जब भी फ्लाइंग स्क्वाड पहुँचती है वहाँ पर क्राइम के सीन पे, इट इज़ नॉट फाउंड देयर, ये वहाँ पर नहीं मिलता। मैकेविटी, मैकेविटी, देर इज नो वन लाइक मैकेविटी। इन द सेकेंड पॉइंट T.S. एलियट सेज दैट देर इज नो वन हु इज लाइक मैकेविटी। मैकेविटी के जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और जो मैकेविटी है, ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इसने सारे ही नियमों को, इंसान के बनाए हुए नियमों को तोड़ दिया है। इवन ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको भी ये तोड़ चुका है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। लेविटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैरना। तो कह रहा है कि हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, अगर कोई फकीर भी आ जाए तो वो भी बस चुपचाप देखता रह जाएगा, उसके अंदर लेविटेशन का वो पावर है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और सबसे हैरानी वाली बात ये कि जब आप क्राइम सीन पे पहुँचोगे, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, आपको वहाँ मैकेविटी नहीं मिलेगा। यू मे सेक हिम इन द बेसमेंट, मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। आप चाहे तो उसे तहखानों में जाके ढूंढो, बेसमेंट में जाके ढूंढ लो, या फिर मैकेविटी को आप आसमान में ढूंढने की कोशिश करो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं दोबारा से आपको एक बार कहना चाहता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, नाइदर यू कैन फाइंड इट इन द बेसमेंट नॉर यू कैन लुक अप इन द एयर। ना तो आपको ये एयर में मिलेगा, ना ही बेसमेंट में मिलेगा। मैकेविटी जिंजर कैट इज वेरी टॉल एंड थीन। यहाँ पर मैकेविटी की के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक लंबा सा, दुबला पतला सा कैट है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, आप उसे देखते ही पहचान लोगे। हिज आईज आर सिंकन इन हिज आईब्रोज इज डीपली लाइंड विथआउट हेड इज हाईली डॉम्ड। वो अपने सर, एक गुंबदाकार उसका सर है और वो अपने सर को इधर उधर घुमाते रहता है, और उसकी आंखें देख के हमेशा लगता है कि इज प्लानिंग समथिंग, कुछ ना कुछ प्लानिंग उसके दिमाग में चल रहा है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, और उसका जो कोट उसने पहन रखा है, इट इज डस्टी, वो डस्टी हो चुका है, बिकॉज ही नेगलेक्ट्स इट, वह सफाई पे उतना ध्यान नहीं देता है। विच विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड, और उसकी मूछें जो हैं वो अनकॉम्ब्ड हैं, जिसमें कंघी नहीं किया गया हो, कॉम्ब मीन्स कंघा होता है, यू नो दैट। सो ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो अपने गर्दन को ऐसे मोड़ता है जैसे सांप मूवमेंट करता है, कुछ इसी तरह से वो अपने हेड को मोड़ता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, ही इज वो ऑलवेज वाइड अवेक, और आप इस संदेह में मत रहो, आपको ऐसा ना लगे कि वो सोया हुआ है, नहीं, आपको लगेगा कि शायद ये सो रहा है, बट ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वो जाग रहा होता है।
Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. Again, T.S. Eliot says that Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. It means that Macavity is unique. Macavity ke jaisa dusra koi nahi hai. Nor he is a fine in feline. Sorry, or he is a fine in feline shape, a monster of depravity. यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि Macavity is compared to a devil. Macavity को यहाँ पर एक devil से कंपेयर किया जाता है, जिसको कि आप कह सकते हो कि मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी. डिप्रेविटी मतलब जो मोरल करप्शन होता है, जो नैतिकता का पतन जब हो जाए किसी इंसान का. तो यहाँ पर ये इट मीन्स दैट टी एस एलियट वांट्स टू से दैट यस देर इज ए कैट हुज नेम इज Macavity एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड इज रिलेटेड टू दैट कैट. बट दूसरी तरह से अगर हम सोचें तो ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल भी हो सकता है. You may meet him in a by street. You may see him in the square. हो सकता है वो कभी जा चौराहे पे आपको मिल भी जाए किसी गली में. But when a crime is discovered, then Macavity is not there. लेकिन याद रखना कि जब वहाँ पर क्राइम हो जाएगा, हो चुका होगा, Macavity is not there. एक मास्टर क्रिमिनल जो होता है वो क्राइम करके वहाँ से गायब हो जाता है. तो ठीक उसी तरह से Macavity जब कोई क्राइम करता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है. इवन द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, इवन इफ दे ट्राई टू कैच हिम, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर दैम ऑल्सो. उनके लिए भी ये असंभव है Macavity को पकड़ पाना. सो दिस पॉइंट वॉज इज रिटन बाय T.S. Eliot. आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्न इट वेल.